ईवीएम्स के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन ठीक है, आपने फिर क्वेश्चन पूछा है तो, और देश में एक ऐसा अभियान भी चल रहा है जिसको बताना भी जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा विस्तार में बता ही देता हूं। वैसे बहुत बार बता चुका हूं, 40 बार लगभग इस देश की संवैधानिक कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ईवीएम के ऊपर में जितनी चुनौतियां हुई हैं उनको देख चुकी हैं। चुनौतियां किस प्रकार की हुई, ये हैक हो सकती है, चोरी हो जाती है, 19 लाख मिसिंग है, इसमें दिखाई नहीं देता है, ये कंप्यूटर से खराब हो जाती है, रिजल्ट्स बदल सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है। हर बार संवैधानिक कोर्ट्स ने इसको रिजेक्ट किया है। क्या कहा है, कभी कहा कि इसमें वायरस लगी नहीं सकता, नो क्वेश्चन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वायरस। कभी कहा इनवैलिड वोट्स नहीं हो सकते, कभी कहा रिगिंग इज नॉट पॉसिबल, कभी कहा कि व्हेन देयर इज सेक्शन 61A इन द आरपी एक्ट व्हिच एम्पावर्स द यूज ऑफ द ईवीएम, जब तक वो खत्म ना हो जब तक ये प्रश्न उठाना गलत है। कभी कहा कि ईवीएम्स आर फूल प्रूफ डिवाइसेस फॉर काउंटिंग एंड एलिगेशंस ऑफ टेम्परिंग आर बेसलेस। कभी कहा कि आप एक के बदले 5 वीवीपैट गिनिए, वो हमने शुरू कर दिया। अब तो ये आ गया है नतीजा कि कोर्ट्स ने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मिस्चीवियस कहते हुए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया, फिर माननीय उच्चतम न्यायालय ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया, अभी फिर रिसेंटली माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक पिटीशन खत्म किए। कितनी बार सुनेंगे, क्यों बार बार वही बिलाप करना है? कोई चीज है तो हमसे पूछिए, हैक नहीं हो सकती, किसी सूरत में नहीं हो सकती। एंड जो परिणाम आते हैं वही प्रमाण है, बार बार परिणाम आते हैं। कोई भी ईवीएम लेके बैठ जाता है सोशल मीडिया पे, वो डिब्बा लेके एक बैठ जाता है, और आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, वो थोड़ा सा एक्सपर्ट भी बन जाता है। आजकल एक दो एक्सपर्ट भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो कहां की डिग्री है, कहां के एक्सपर्ट हैं, थोड़ा देखना भी चाहिए। वो बताते हैं कि ये डिब्बा है, वो टूल बॉक्स जैसा डिब्बा होता है, उसके अंदर में क्या है पता नहीं है, उसमें से एक गत्ते के डिब्बे में से एक स्लिप भी निकलती है, वो धरना भी हो जाता है कि स्लिप बदल गई, मैंने यहां बटन दबाया था और यहां ही गलत निकल लेगी। भाई आपने क्या दबाया था, किसी को बताया था क्या, क्या निकला किसी को बताया था क्या? अरे संविधान कोर्ट्स कह रही हैं, अच्छा जितनी बार हमसे आप पूछेंगे उतनी बार हम उसका एक क्वेश्चन लेके आपको आपको एफएक्यूज में डाल देंगे, 100+ क्वेश्चन है। और भाई पॉलिटिकल पार्टीज have come into existence because of the EVMs. There are many smaller political parties which in the age of the ballot papers might have not come into the existence. It was the fairness and the political parties know in the heart of their hearts. Sabko, sab EVMs ka teen bar mock poll hota hai. Candidates ke saamne mein hota hai. Phir bhi, agar kuch, aap kitab laaye hain, kisi ke paas hai kya? Ek, humne kitab bhi manai hai, ek, जितने लीगल केसेस, 40 केस, देखिए दीज आर 40 केसेस ऑन ईवीएम, इसमें एफएक्यू भी है, आप सब लीजिए इस किताब को हमसे, इसमें एफएक्यू भी है और इसमें फ्लो चार्ट्स भी हैं। देखिए हमारी वेबसाइट पे है ये, थोड़ा पढ़ने का तो कष्ट करिए, खासतौर से जो एक्सपर्ट महोदय हैं, वो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं यहां, मतलब कंट्री में कोई भी बन जाता है, किसी पे कोई रोक नहीं है। हमने इसमें चार्ट भी लगाया है कि कितनी बार सत्ता में रहने वाली पार्टियां ईवीएम ने बदल दी। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था, ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं, ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो, और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाए।